ए सैटेलाइट ए ऑफ मास एम इज एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, एक सैटेलाइट है ए है जिसका मास एम है, और वो देखो ए सैटेलाइट है, ये सन है। ठीक है, ए सैटेलाइट ऑफ मास एम इज एट ए आर डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ से एक सैटेलाइट है आर डिस्टेंस पे है, इसका मास m है, ध्यान देना। Another satellite 2m a distance 2r, एक और है यार। ठीक है, ये 2m है, ठीक है, इसका मास 2m है और ये डिस्टेंस 2r पे है। ठीक है, फ्रॉम द अर्थ देयर टाइम पीरियड आर इन रेशियो। अब हमें टाइम पीरियड का रेशियो निकालना प्यारे बच्चों, तो टाइम पीरियड का रेशियो कैसे निकालते हैं बोलो? केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ पढ़ के आए थे ना हम लोग, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्यू। ठीक है, हम सबको पता है कि टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं करता, इसका कोई रोल ही नहीं, मास देने का कोई फायदा ही नहीं है, ना ही दे या दे उसका कोई टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड मैं T1 मान लेता हूँ, इसका टाइम पीरियड मैं T2 मान लेता हूँ, क्योंकि A का और B का रेशियो निकालना। तो टाइम पीरियड T1 अपन T2, टाइम पीरियड T1 अपन T2, R1 अपन R2 की पावर 3/2। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, R1 की वैल्यू कितनी है R, ठीक है, और ये R2 की वैल्यू कितनी है 2R, तो ये आ जाएगा 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 3/2, और 2 3/2 का क्या मतलब होता है 1/2√2। ठीक है, तो 1:2√2 दैट इज डी ऑप्शन सही है ना।